माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक जी नहीं GBH मेडिकल कॉलेज खंड हॉस्पिटल में नियमानुसार फायर फाइटिंग से संबंधित समस्त उपकरण स्थापित किए गए हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा फायर फाइटिंग की NOC भी जारी की गई है। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार वेस्ट संग्रहण हेतु एक कक्ष निर्धारित है। साथ ही रजिस्टर का संधारण कर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट की निस्तारण किया जा रहा है। खंड दो जी नहीं संस्थान द्वारा अस्पताल परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग अस्पताल परिसर में बागवानी हेतु किया जाता है। साथ ही बरसाती पानी की निकासी हेतु संस्थान की दीवार से लगते हुए प्रकृति कच्चे नाले में पाइपलाइन द्वारा निकासी की व्यवस्था की गई है। उपखंड अधिकारी उदयपुर की मौका मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट वन पे संलग्न है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मगर इस प्राकृतिक नाले को इस परिसर में से जो निकल रहा है उसको ओपन नहीं रख के इसको पाट दिया है और पाइप द्वारा पानी ले जाने की वजह से रोड पर पानी भरता है क्योंकि पर्याप्त निकासी उसमें नहीं है। वो रोड पर पानी निकलकर टोटल खेतों में जाता है वो पानी, इसलिए क्या इसको बड़ा करके और ओपन करके या पूरी कैपेसिटी के हिसाब से इस नाले को बनवाने का विचार है? माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो GBH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का ओनरशिप के अंडर है। हमारे विभाग ने 2015 में NOC इनको जारी की और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट हमने प्रदान कर दिया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इनको पूरा चेक करके इनको NOC दी गई। फायर डिपार्टमेंट ने भी NOC 4/5/24 को दी जो वैलिड है 3/5/25 तक। पंचायत बादवास के अंदर इसी संस्था को NOC पंचायत ने देकर स्थापना से पहले दी थी। अब जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इस संस्था ने फुलफिल कर लिए हैं। अभी इनकी माननीय विधायक महोदय की शिकायत पर SDM ने भी जाके वहाँ पर जानकारी की और उसने पाया कि जो उन्होंने पाइपलाइंस लगाए हैं वगैरह उसकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। मेरा यही अर्ज है कि इसके अंदर ग्राम पंचायत, पोल्यूशन बोर्ड और मैं कलेक्टर को भी हम कह देंगे कि एक बारी दोबारा जांच करा के और आपके जितने भी आप इश्यूज रेज करते हैं वो कलेक्टर के कमिटी के अंदर इसको रिव्यू कर लिया जाए ताकि इसका आपकी जो समस्या दूर हो। ठीक है। दूसरा सर, ये जो पानी जो निकल रहा है उसकी बाउंड्री के बाद में जो किसानों की खेती में से वो नाला जा रहा है, अब मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी अध्यक्ष महोदय, मगर इसका समाधान नहीं हुआ था। पूर्व सरकार ने इसका समाधान ये कहा कि साहब हमारी जमीन नहीं है, पंचायत की जमीन है। पंचायत के पास इतना बजट नहीं है जो उस नाले को प्राकृतिक नाले तक पहुंचा दे। उसका नाला एक प्राकृतिक नाली के रूप में है, उसको न तो हॉस्पिटल वाले बना रहे हैं न UDA बना रहा है। ये किसानों के पास और पंचायत के पास बजट नहीं होने की वजह से या तो CSR से इस नाले को बनाए या UDA बनाए। प्रश्न यही है कि इस नाले को कंप्लीट कराकर प्राकृतिक नाले तक पहुंचाने का विचार आगे रखते हैं कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिकली मैंने पूरा तो जवाब आपको दे दिया है, सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब ये हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के परव्यू में, ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। ये कोई अगर इलाज के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो हम पिक्चर में आते हैं। NOC इन्होंने पोल्यूशन से भी ली है, हमारे डिपार्टमेंट से भी ली है, SDM ने भी कर दिया है। तो मैंने आपको पहले भी आपको माननीय महोदय को बताया कि हम कलेक्टर को बोलेंगे दोबारा जांच कर लें, आप भी स्वयं उनसे आप जाके मिल लें अपनी ग्रीवेंसेस। तो ये जो पंचायत का इशू और ये जो कलेक्टर के अंडर है डिपार्टमेंट से संबंधित हो वहाँ बता दें। हाँ, आपको वैसे तो माननीय सदस्य यहाँ उठाते हैं तो उनको कलेक्टर से या किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यह मुद्दा आया है, माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या सरकार जिन जिन विभागों का इसके अंदर रोल है उन विभागों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर
इसकी जांच कराना चाहती है, और दूसरा जिन लोगों ने एनओसी दी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, अगर एनओसी दी है और पानी वहाँ भर रहा है तो एनओसी गलत दी है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी कि एनओसी दी गई है तो गलत दी गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे शांत रहिए, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं, सही दिक्कत है ना, तो क्वेश्चन लगाने छोड़ दो, उत्तर आना, उत्तर आ गया, उत्तर आने क्वेश्चन लगाने छोड़ दो, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ही तुम्हारी ये सारी स्थिति है क्लियर होगी। अरे माननीय उत्तर दीजिए, अरे आपके मंत्री बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये प्रतिपक्ष के नेता, अरे अरे मंत्री जी बोल रहे हैं, अरे मंत्री जी बोल रहे हैं आपके, एक मिनट रुको, अरे माननीय आपके मंत्री बोल रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता हर प्रश्न में प्रश्न पूछ, अरे आपके मंत्री बोल रहे हैं, अभी तो प्रश्न पूछ, इनको सक्षम में उत्तर दे देंगे, माननीय मंत्री में उत्तर दे देंगे, माननीय मंत्री महोदय, लीडर ऑफ लीडर ने ऑपोजिशन ने ये बोला कि मंत्री जी मान रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं, हम जो चेकिंग हुई है जिस आधार पे हुआ है इसकी दोबारा जांच करा लेंगे, हम आप सही बोल रहे हैं कि जो एनओसी किसने दी, इसके अंदर जो आपके पोल्यूशन बोर्ड में कैसे इसको दिया गया, अभी एसटीपी प्लांट है, इसकी पूरी जांच आप जांच करवा देंगे। अगला प्रश्न श्री केसाराम चौधरी, प्रश्न संख्या